हेलो गाइस, तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ क्योंकि गोप्रो का माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है। घर पे जब इसकी टेस्टिंग कर रहा था, माइक टेस्टिंग, तो ठीक से काम कर रहा था, लेकिन अब जब मैं घर पे वापस लौट के इसको देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो इसका ऑडियो गायब है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्च किया था कि भाई गोप्रो का माइक जो हीरो 5 का माइक है वो कुछ काम नहीं करता, सॉफ्टवेयर इशू, फर्मवेयर इशू कुछ तो भी है उसका। तो देखते हैं, कल एक और माइक आने वाला है जो कि अमेज़ॉन प्राइम डिलीवरी से मुझे रिसीव होगा, तो वो एक बार ट्राई करके देखूंगा। अगर वो भी काम नहीं करता है तो फिर मुझे जो है यहाँ पे रोड का जो माइक है, यहाँ पे अडेप्टर है, माइक अडेप्टर, रोड का माइक अडेप्टर, वो मुझे परचेज़ करना पड़ेगा, जो कि 1000 रुपीज़ का है। पहले मैं कल का माइक आने के बाद जो उसको ट्राई करूंगा, फिर बाद में देखते हैं कि वो परचेज़ करना है नहीं करना है। सो गाइज, यहाँ पे क्लासिक 350 को कन्वर्ट किया है हार्ले डेविडसन में, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स उन्होंने भेजे हैं मुझे कि ये मॉडिफिकेशन यहाँ पे हुई है, तो मैं आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर बताऊँगा, लेकिन कम्प्लीट डिटेल जो है पार्ट टू में आएगी, जो कि थर्सडे या फ्राइडे को आ सकता है या फिर उससे पहले भी आ सकता है। तो उसमें कम्प्लीट डिटेल होगी कि कैसे कैसे बनाया उन्होंने और कैसे कैसे काम स्टार्ट हुआ, कॉस्ट सब कुछ यहाँ पे जो है डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे यूज़ हुआ है कुछ पॉइंट्स में आपको बताता हूँ, यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे टी हैंडल बार यहाँ पे यूज़ हुआ है, टी हैंडल बार प्लेट यहाँ पे यूज़ हुई है, डबल बैरल एग्जॉस्ट, कस्टमाइज सीट है यहाँ पे, कस्टमाइज फुट पैग है यहाँ पे, और रियर डिस्क ब्रेक भी अपडेट हुआ है यहाँ पे, कस्टमाइज फ्यूल टैंक यहाँ पे जो है यूज़ किया हुआ है, और जो कि श्री भाई ने कस्टम जो खुद से ही बनाया हुआ है वो, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशल इम्पोर्टेड हैंडल ग्रिप यहाँ पे यूज़ हुई है। तो यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो यहाँ पे मॉडिफाई हुए हैं, और अब आप देखोगे इसकी कंप्लीट लुक और कंप्लीट म्यूज़िक के साथ, तो इन्जॉय करो। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये मॉडिफिकेशन जो कि जीबी कस्टम्स ने यहाँ पे क्लासिक 350 को किया है कन्वर्ट हार्ले डेविडसन में? इसके कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि फ्यूल टैंक यहाँ पे मॉडिफाई हुआ है, डिस्क ब्रेक यहाँ पे अपग्रेड किया हुआ है, फुट पैग यहाँ पे, सीट है, बैरल एग्जॉस्ट है, और हैंडल बार है, टी प्लेट जो कि हैंडल इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, टी हैंडल बार इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, और GS 310 का यहाँ पे फ्रंट फॉक यहाँ पे जो है यूज़ किया हुआ है। अगर आपको इसकी कंप्लीट डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको पार्ट टू देखना पड़ेगा, जो कि जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगा, ट्यूसडे थर्सडे तक आ जाएगा आराम से, तो उसका वेट कर सकते हो। और सब्सक्राइब कर लो पहले, क्योंकि सब्सक्राइब किए बगैर अगर जाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। बेल आइकन को भी क्लिक कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और उन्हें भी बता सकते हो कि GB कस्टम्स यहाँ पे है। तो गाइस, अगर आप पुणे से हो और पिंपरी में रहते हो, नियर बाय रहते हो, तो आप जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इनका कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी, और डिस्क्रिप्शन में भी इनका गूगल लोकेशन लिंक आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली इनसे मिल सकते हो, या फिर आप इनसे कांटेक्ट करके जो है यहाँ पे उनसे मिलने जा सकते हो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए पुणे कनिकल साइनिंग ऑफ, और पार्ट टू का वेट करना, पार्ट टू जल्दी ही आ रहा है इसका, डिटेल में जो है यहाँ पे बातें होंगी, डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिटेल में, तो स्टे ट्यून्ड।